फिलहाल ये इसे मिल गया है, अब इसकी अनबॉक्सिंग कर रही है। खुशी देख लो इसकी। बाकी दो कलर के हैं, ये एक ग्रीन वाला है एक ऑरेंज में है। कैसा लग रहा है अब? अच्छा लग रहा है। ठीक है खेल ले। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी सुबह के 7:30 हो गए हैं। सो फिलहाल ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है और हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं। फिलहाल मैं हूँ त्रिकोणा पार्क पे और थोड़ी देर में प्लांट पे पहुँचते हैं। तो फिलहाल सूरज चाचू निकल चुके हैं। पता नहीं क्या होता है, छाँव में आ जाते हैं ना तभी सर्दी लगने लग जाती है। अभी देखो पूरी प्लांट तक, उसके आगे मतलब एक तो गली में तो भले ही धूप आ जाए लेकिन बाकी तो छाँव ही है। गर्मियों में बहुत अच्छा लगे यहाँ पे छाँव से, बाकी उस टाइम गर्मी में सही। तो फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बस छोले की सब्जी रोटी और चाय फिलहाल खा लेते हैं। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट तो कर लिया और बाकी नवी भैया को पता नहीं क्या हो गया, आज तो बिल्कुल ही उदास बैठे हुए हैं। फिलहाल अभी चलते हैं नीचे, वो साइज पपीता लाया था, कोई आया है बाहर लगता है। सो फिलहाल गाड़ी में से सारे कैंपर को तो उतार दिया, फिलहाल अभी इस गाड़ी को वहाँ पे खड़े करके आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ओए ओए लट्टू चालू हो गया। अभी चलते हैं आरू के पास, आरू भैया की थोड़ी मदद कर देते हैं। सो ब्रेकफास्ट भी कर लिया और सारा काम भी कर लिया और अब हम दोनों भाई यहाँ पे बोर हो रहे हैं। फिलहाल नवी अपना आराम से बैठा हुआ है, ऊपर बैठा था पहले तो, अब हम यहाँ बैठे हैं तो हमें देख के नीचे आ गया। बाकी देखो यार ये मतलब जो नॉर्मली कुत्ते भोंकते रहते हैं ना उनकी तरह बिल्कुल ही नहीं है, आराम से बैठा रहता है। इसको कोई मतलब बस सुबह सुबह लेके जाओ इसको गाड़ी में तब खुश रहेगा ये, वरना पूरा दिन मुँह उदास बैठा रहेगा। तो फिलहाल अभी मुकेश भैया इससे एक सवाल पूछ रहे नवी से कि मतलब सुबह हम जब गाड़ी पे थे तो कुत्ते भोक, कुत्ते भोक, इसके जैसे दो कुत्ते हैं वो आज हम पे भोंक रहे थे। तो मुकेश भैया इससे पूछ रहे हैं कि तू मतलब हमारी साइड है उनकी साइड है, बता ही नहीं रहा। अब मुकेश भाई को काट रहा है। हाँ काट ले काट ले काट ले काट ले। इनका मस्त युद्ध चल रहा है। ठीक है यार टाइम पास हो जाएगा जब तक पारुल दिया नहीं। तो फिलहाल वहाँ बैठे बैठे तो टाइम पास नहीं होता, मैं तो गाड़ी में बैठूँगा आराम से। धूप भी अब तो धूप मतलब अच्छी लगेगी नहीं क्योंकि गर्मी होने लगी है। फिलहाल गाड़ी में बैठते हैं आराम से। वाह भाई वाह, ये अपनी लैम्बोर्गिनी। फिलहाल जाने से पहले गाड़ी को थोड़ा साफ कर रहे हैं, पूरी गाड़ी पे मिट्टी मिट्टी हो गई है। ओह होगी साफ। तो फिलहाल अभी चलते हैं और बाजार के सारे कैंपरों को बटोर बटार के अपने प्लांट पे चलते हैं और भर भर आगे घर चलते हैं यार। और आज मुकेश भाई के साथ रात को कोई का काम खाली नहीं करते हैं। 1 hour later आ भाई स्टाइल क्या कर रहा है? सो फिलहाल अभी सारा काम करके घर पे आ गए हैं और घर पे अंदर टीवी देख रहे हैं मस्त। तो फिलहाल देखते क्या करते हैं। फिलहाल अभी बाजार से ना मैं ये दो चीज लाया था, ये व्लॉगिंग के लिए और ये जैसे मुझे कोई अपनी वीडियो शूट करनी हो, ये स्टैंड है ये उसके लिए। फिलहाल ये दोनों मुझे चलता है यार, जितने के भी आए कोई बात नहीं। सो फिलहाल दोपहर के 2 बज चुके हैं और लंच कर लेते हैं और उसके बाद मैं नहा लूँ एक बार, क्योंकि जब मैंने कल कटिंग करवाई थी ना मैं मतलब नहाया नहीं था। तो फिलहाल अभी नहा लेते हैं। सो फिलहाल अभी मस्त लंच आ गया, लंच में मस्त छोले रोटी दूध और पानी, फिलहाल खा लेते हैं। सो फिलहाल अभी मस्त नहा लिए हैं और थोड़ी देर सो जाते बिकॉज नींद आ रही है यार सुबह। मतलब मैं रात को भी 1 बजे सोया था और सुबह 4 बजे फिर उठ गया, मतलब 3 घंटे की नींद ली मैंने, तो बहुत नींद आ रही है, थोड़ी देर सो जाता हूँ मैं। 1 hour later
सो फिलहाल अभी मैं सो के उठे हैं और पापा जी जो मैं स्टैंड लाया था उस पे मूवी देख रहे हैं। फिलहाल मम्मी दूध ले आई मेरे लिए, फिलहाल पी लेते हैं। सो फिलहाल अभी उस भैया का फ़ोन आ गया जिससे हम ये स्टैंड वगैरह लाए थे कि हम वो जो हम छोड़ के आ गए थे ना स्टैंड का कैचर, तो वो मिल गया। तो फिलहाल अभी बाज़ार जाते हैं और लेके आते हैं। फिलहाल मैं टोपी डाल लेता हूँ, बाहर धूप बहुत हो रही है। तो फिलहाल टोपी तो डाल ली, अब मतलब धूप का सीधा रिफ्लेक्ट आपको भी नहीं लग रहा। तो फिलहाल ड्राइव कर रहा है साहिल, मैं पीछे बैठा हूँ। Never there, hey. You give me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never. I want us to be what we used to be this night. Baby, just another fight. तो फिलहाल अभी दुकान पे पहुंच गए और भैया ने दे दिया एक, मैं घर से मतलब फिलहाल इस चीज़ के लिए घर से आया हूँ, तो फिलहाल मिल गया। दूसरे स्टैंड गया, इस स्टैंड पे इसका तो है, ठीक है मिल गया, अब चलते हैं घर पे। फिलहाल होली आ रही है और साहिल कलर वगैरह देख रहा है, बाकी होली के लिए तैयारियाँ हो चुकी हैं, पिचकारी पुचकुरी आ गई हैं, रंग बिरंग रंग भी आ गए हैं। फिलहाल अभी घूमते घूमते पहुँच गए भैया की दुकान पर, कुमार स्पोर्ट्स सेगा हाउस। फिलहाल यहाँ पर बैडमिंटन रैकेट पूछ रहे हैं, आप यहाँ कोई पसंद? घर पे बैठ के बोर होते थे तो इसलिए बैडमिंटन रैकेट ले लिया, अब घर जाते मस्त खेलेंगे। फिलहाल साहिल एक जूता पसंद आया था, ट्राई कर रहा है। क्या हुआ, नहीं पसंद आया? कौन सी कंपनी का भाई? एयर। ले लिया चाबी तो उठा ले वहां से, उठा ली मैंने पहले। A few moments later. So, फिलहाल अभी घर जाते हुए साहिल भाई के घर पे रुके हैं और ये हम सर घर पे जा रहे हैं। तो ये बच्चे लूडो खेल रहे हैं, वही ऐसे खेलते लूडो है, पैर रख के बैठा हुआ लूडो। सो एक बात तो अच्छी होगी, मतलब जो मेरी छोटी बहन ने ना दिन में मैं जब घर गया ना ये स्टैंड वगैरह लेके, तो वो बोली भैया मेरे लिए ना एक बैडमिंटन रैकेट ला दो। सो फिलहाल मैंने सोचा यार बहुत दिनों के बाद छोटी बहन ने कुछ मंगाया है, तो फिलहाल मेरे पास पैसे थे तो मैं बैडमिंटन रैकेट को ले आया। अब घर जाते देखते हैं कितनी खुश होती है बैडमिंटन रैकेट पे। I felt it's painful, all is said and done. So, फिलहाल अभी पहुंचे घर पे और अभी ये दिखाते हैं मेरी छोटी बहन को और उसका रिएक्शन देखते हैं कि कैसा होता है। बाकी फिलहाल अभी वो घर पे नहीं है, थोड़ी देर बाहर गई है कहीं पे, बाद में देखते हैं। लेकिन अभी मम्मी को दिखाते हैं पहले। मम्मी जी मैं ले आया, लाइट क्यों नहीं है? फिलहाल मम्मी जी पूजा कर रही हैं, मम्मी जी मुझे ब्लेसिंग्स दे दो। या आ गई है, चल अंदर है। वो रखा दिखाई नहीं दे रहा, वो पे ओरल बी अपनाओ, आगे 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 है। फिलहाल ये इसे मिल गया, अब इसकी अनबॉक्सिंग कर रही है। खुशी देख लो इसकी, बाकी दो कलर के हैं, ये एक ग्रीन वाला है एक ऑरेंज में है। कैसा लग रहा है अब? अच्छा लग रहा है। ठीक है खेल ले, मैं तो जा रहा हूँ। सो फिलहाल अभी शाम हो चुकी है और हम जा रहे थे इस कच्चे रास्ते पे घूमने के लिए, बाकी अभी 7 बजने में थोड़ा टाइम है, 7 बजते तो हम मुकेश भाई के घर पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि आज मतलब वो जो वो बाथरूम और टॉयलेट बना रहे थे ना उनके लिए जो कुई खोद रहे थे हम, उनका काम फारिग कर देंगे आज रात को। तो फिलहाल थोड़ी देर घूम लेते हैं फिर चलते हैं मुकेश भाई के। सो फिलहाल अभी यहाँ तो घूम लिए हैं और 7 बज चुके, जैसा हमने वादा किया था कि 7 बजे मुकेश भाई के घर पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल अभी 7 बजने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है, फिलहाल पहुँच ही गए, बस 1 मिनट में तो आराम से पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलते हैं। सो फिलहाल पहुंच गया मुकेश भाई के घर पे और वो लगे हुए हैं
वैसे कौन अंदर ले रहे हैं? रस्सी तो जब खींच रहे हैं और अंदर सोम भी रहे शायद। फिलहाल हमारे लाइट मैन चेंज हो गए हैं, पहले लाइट अंकल ने पकड़ रखी थी, हम उन्हें भी आ गए हैं कमान संभालने के लिए। आजा। फिलहाल अभी अंकल जी चले गए नीचे और अंकल जी देखो दो दो बाल्टी को खिंचवा रहे हैं साइड में कि मैं माटी कर दूंगा दो बाल्टी की। फिलहाल अभी घर पे चलते हैं, घर से फोन आया कोई काम होगा तो मैं मतलब 10-15 मिनट में वापस आ जाऊंगा और सारी रात फिर तो आज ये काम बिल्कुल फारिग कर देंगे। सुबह तो मतलब मिस्त्री लगना है ना, ये मतलब छात भी दे देंगे। और फिलहाल तो अभी घर जाके आ जाता हूँ। तो फिलहाल अभी घर पे आ गए हैं और मम्मी कुछ मस्त सा दिखाने को कह रही है, सीरियल चल रहा है गणपति भगवान का। तो मम्मी भी मतलब नहीं, मम्मी का प्यार तो ऐसे होता है, मतलब घर पे ना ग्रेप्स लाए थे पापा अंगूर, तो मम्मी कह रही थी आ जा और खा ले, मैं सोचो यार कोई ज़रूरी काम होगा। तो फिलहाल अभी इन अंगूर की वजह से मुझे घर बुलाया गया है। सो फिलहाल रात के डिनर में है मस्त कड़ी रायता रोटी और सलाद में अंगूर है। मुझे पता है मैं मतलब अजीब सा कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, फिलहाल खा लेते हैं। तो फिलहाल अभी डिनर तो कर लिया है और मम्मी ने अच्छी नींद आई इसके लिए दूध दे दिया, फिलहाल पी लेते हैं। नहीं आज सो तो सकेंगे नहीं क्योंकि काम कर रहे हैं मुकेश भाई के घर पे। तो फिलहाल थोड़ी देर मिलते हैं फिर मुकेश। तो फिलहाल डिनर के बाद अब थोड़ा हिम्मत आए और मैं काम ज़्यादा जल्दी कर सकूं इसलिए अंगूर खा लेते हैं, बाकी मस्त है। सो फिलहाल अभी डिनर करके और थोड़ा रेस्ट करके अब चलते हैं मुकेश भाई के घर पे और आ तो फारिग है सब काम। फिलहाल मंदिर में मस्त लाइट लगा दी है, बाबा जी की ब्लेसिंग भी ले ली है, तो फिलहाल अभी मतलब काम अच्छे से कर पाएंगे अगर बाबा जी का सर पे हाथ और ब्लेसिंग साथ रहेंगे। फिलहाल घूम फिर के आ गए हैं घर पे मुकेश भाई के और ये देख बढ़ गया भीतर है, दिखाइए थोपड़ा तेरा ले जे वो बना। तो फिलहाल अभी रात के 11 बज चुके हैं और हम तो मतलब पूरी रात ही काम करेंगे। सो आपको क्यों वेट कराएं, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे करता हूँ एंड आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।